अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद वैस सादिक एंड आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 10 मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन के टॉपिक में जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, और उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इनकी हमने डेफिनेशंस एंड प्रूफ्स किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। आज के लेक्चर में हम सिक्स प्रॉपर्टी विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे एंड देन इसको प्रूव करेंगे। इसकी डेफिनेशन है, फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये बेसिकली जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने की थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, उसी की तरह है। लेकिन जहाँ पे यूनियन आ रहा था वहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया, और जहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा था वहाँ पे यूनियन आ गया। और लास्ट प्रॉपर्टी का हमने जिस तरह प्रूफ किया था, इसका भी प्रूफ सेम उसी प्रोसीजर के साथ करेंगे। सबसे पहले हम जो रिज़ल्ट निकालेंगे वो ये निकालेंगे कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो सबसेट है राइट हैंड साइड का, एंड देन ये बताएंगे कि जो राइट हैंड साइड है वो सबसेट है लेफ़्ट हैंड साइड का। और फिर उन दोनों कंडीशंस को यूज़ करते हुए हम ये कह देंगे कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि एक एलिमेंट है x विच इज़ अ मेंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c का। अब यहाँ पे जो x है वो मेंबर है a का एंड b यूनियन c का, और अगर वो इन दोनों का मेंबर होगा तब ही इनके इंटरसेक्शन का मेंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज़ अ मेंबर ऑफ a एंड x इज़ अ मेंबर ऑफ b यूनियन c। लास्ट लेक्चर में ये भी बताया गया था जो ये एंड होता है बेसिकली ये इंटरसेक्शन होता है, और जो और होता है वो यूनियन होता है। अब यहाँ पे x इज़ अ मेंबर ऑफ b यूनियन c है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x या तो b का मेंबर होगा या फिर c का मेंबर होगा, तभी x मेंबर है b यूनियन c का। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले x इज़ अ मेंबर ऑफ a एंड, और इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज़ अ मेंबर ऑफ b और x इज़ अ मेंबर ऑफ c। अब यहाँ पे यूनियन के लिए हमने क्या यूज़ किया, और को यूज़ किया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे और बीच में हमारे पास एंड आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x इज़ अ मेंबर ऑफ a एंड x इज़ अ मेंबर ऑफ b, पहले ये आ गया हमारे पास, देन हमारे पास क्या आया, और फिर हम जो ये वाली स्टेटमेंट है x इज़ अ मेंबर ऑफ a और ये वाली स्टेटमेंट है x इज़ अ मेंबर ऑफ c, इसको कंबाइन कर देंगे। तो ये आ जाएगा x इज़ अ मेंबर ऑफ a एंड x इज़ अ मेंबर ऑफ c। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बीच में हमारे पास एंड है, x यहाँ पे a का भी मेंबर है और b का भी मेंबर है, और एंड यहाँ पे इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑटोमेटिकली जो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है वो अप्लाई हो रही है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा x इज़ अ मेंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, और ये जो और है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनियन को, और यहाँ पे आ जाएगा x इज़ अ मेंबर ऑफ a इंटरसेक्शन c। अगर x इसका भी मेंबर है a इंटरसेक्शन b का, और x इंटरसेक्शन c का भी मेंबर है, और बीच में हमारे पास क्या है, यूनियन, तो x मेंबर होगा a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c का। अब यहाँ पे हमने शुरू में अज्यूम किया था x मेंबर है a इंटरसेक्शन इनटू b यूनियन c का, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, x मेंबर है a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c का। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो a इंटरसेक्शन इनटू b यूनियन c है इज़ अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। इसका मतलब ये हुआ जो a इंटरसेक्शन b यूनियन c में जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स ऑलरेडी a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c में भी हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज़ अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन
ए इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट हम ये प्रूव करते हैं कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है, ये सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। तो उसके लिए सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं एक एलिमेंट वाई विच इज़ अ मेंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे अगर वाई इन दोनों के यूनियन का मेंबर है तो y किसका मेंबर होगा, a इंटरसेक्शन b का, और y इज़ अ मेंबर ऑफ a इंटरसेक्शन c। यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में अगर बताया जाए तो यूनियन की जगह हमने और लिख लिया है। और का क्या मतलब होता है कि y या तो a इंटरसेक्शन b का मेंबर है या फिर a इंटरसेक्शन c का मेंबर है या फिर दोनों का मेंबर है। तो ये हमारे पास यूनियन की डेफिनेशन भी है। अब हम यहाँ पे इंटरसेक्शन की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। अब y अगर मेंबर है a इंटरसेक्शन b का, इसका मतलब y कॉमन आ रहा है a एंड b में, तो y a का भी मेंबर होगा एंड y b का भी मेंबर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास और एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे भी अगेन y देखा जा सकता है a इंटरसेक्शन c का मेंबर है, तो इसका मतलब है y a का भी मेंबर है एंड y c का भी मेंबर है। अब हमारे पास ये जो स्टेटमेंट अभी लिखी है हमने, इसमें y इज़ अ मेंबर ऑफ a, इसको साइड पे कर लेते हैं एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, दरमियान में एंड आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा y इज़ अ मेंबर ऑफ b और y इज़ अ मेंबर ऑफ c। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में ये कहा जा सकता है हमने इस स्टेटमेंट में से जो y इज़ अ मेंबर ऑफ a है उसको कॉमन ले लिया। देन हमारे पास क्या आएगा, y इज अ मेंबर ऑफ a एंड अब यहाँ पे ये जो और है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनियन को। और इसका मतलब क्या है कि y अगर b का मेंबर है या फिर y c का मेंबर है तो y मेंबर होगा b यूनियन c का। अब यहाँ पे देखा जा सकता है y अगर a का मेंबर है और y b का भी मेंबर है तो y इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन का भी मेंबर होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज़ अ मेंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c। अब शुरू में हमने अज्यूम किया था कि y हमारे पास मेंबर है a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c का, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट है उसमें हमारे पास आ रहा है कि y मेंबर है a इंटरसेक्शन b यूनियन c का। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो a इंटरसेक्शन b यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है, ये सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। और इससे पहले हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज़ अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इन दोनों रिजल्ट्स को हम यूज़ करते हुए कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि हम ये प्रॉपर्टी वेरीफाई कर सकें। तो सबसे पहले हम कोई भी तीन सेट्स अज्यूम कर लेते हैं। सो हम अज्यूम करते हैं सेट ए है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। सेट बी हम अज्यूम कर लेते हैं 2, 4 एंड सेट सी हम अज्यूम कर लेते हैं 1, 4, 5। अब हम इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन अप्लाई करते हैं। तो उसमें जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले इसको देखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल ए इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे बी एंड सी का यूनियन लेते हैं तो इनके यूनियन में हमारे पास क्या आ जाएगा, वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो या तो बी में है या फिर सी में है या फिर दोनों में है। तो ये आ जाएगा 1, 2, 4 एंड 5 और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता यूनियन में। एंड देन ए के साथ ये जो सेट है 1, 2, 4, 5 का इंटरसेक्शन ले लेंगे।
तो यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो देखा जा सकता है ए एंड बी यूनियन सी में। तो सबसे पहला जो कॉमन एलिमेंट है वो है 1, दूसरा जो एलिमेंट है जो कि कॉमन है वो है 2, एंड देन कॉमन एलिमेंट क्या है 4, एंड देन 5। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हम फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी को। तो सबसे पहले यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं। ए और बी में से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 2 एंड 4, और इसका यूनियन लेंगे ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ए इंटरसेक्शन सी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 1, 4 एंड 5। अब लेते हैं इन दोनों सेट्स का यूनियन, तो ये आ जाएगा 1, 2, 4, 5। अब देखा जा सकता है हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, क्योंकि इन दोनों में जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो सेम है। तो यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को वेरीफाई कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारे पास 7th प्रॉपर्टी, और ये है डी मॉर्गन्स लॉ। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन्स लॉ की वो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। सबसे पहले एक दफ़ा कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास सेट यू है विच इज़ अ यूनिवर्सल सेट, और सेट ए है विच इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो हमारे पास जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, यू माइनस ए के। और इसको कैसे फाइंड करेंगे, यू माइनस ए के सेट में जो एलिमेंट्स आ जाएंगे वो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो यू में होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे। तो ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन। अब यहाँ पे ये जो डी मॉर्गन्स लॉ की दो स्टेटमेंट्स हैं, पहली एंड दूसरी, इन दोनों को हम 1 बाय 1 प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले ये जो पहली स्टेटमेंट है डी मॉर्गन्स लॉ की, विच इज़ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका प्रूफ करते हैं। एंड देन जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसका प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि एलिमेंट एक्स विच इज अ मेंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पे अगर एक्स मेंबर है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, देन एक्स मेंबर है यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। अब जब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली जो सेट बनेगा वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में होंगे लेकिन ए यूनियन बी में नहीं होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन को अप्लाई किया है। अगर x a यूनियन b का मेंबर नहीं है तो इसका मतलब x a का मेंबर भी नहीं है, एंड x इज नॉट अ मेंबर ऑफ b। और अगर x a का मेंबर नहीं है तो इसका मतलब x किसका मेंबर है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a का। और इसी तरह अगर x b का मेंबर नहीं है तो x मेंबर है कॉम्प्लीमेंट ऑफ b का, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट ऑफ a एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ b में हमारे पास वो एलिमेंट्स आएंगे जो के सेट ए एंड सेट बी में ना हो। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि एक्स मेंबर है ए कॉम्प्लीमेंट का और एक्स मेंबर है बी कॉम्प्लीमेंट का, तो इसका मतलब है कि एक्स इन दोनों के इंटरसेक्शन का मेंबर भी होगा, बिकॉज अगर एक्स इनके इंटरसेक्शन का मेंबर होगा तभी एक्स मेंबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट का एंड बी कॉम्प्लीमेंट का। तो यहाँ पे हमने जो शुरू में अज्यूम किया था एक्स इज अ मेंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, और रिजल्ट हमने निकाला है एक्स इज अ मेंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम ये प्रूव करते हैं कि ये
जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ये सबसेट है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो उसके लिए हम अज्यूम करते हैं सबसे पहले एक एलिमेंट वाई विच इज़ अ मेंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर वाई ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन का मेंबर है, देन वाई मेंबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट का एंड वाई मेंबर होगा बी कॉम्प्लीमेंट का। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर y A कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है तो इसका मतलब हुआ y इज नॉट अ मेंबर ऑफ A एंड y इज नॉट अ मेंबर ऑफ B। बिकॉज अगर y A एंड B का मेंबर हो देन y A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का मेंबर नहीं होगा। अब अगर y A एंड B का मेंबर नहीं है तो इसका मतलब है y A यूनियन B का मेंबर भी नहीं है, और y अगर a यूनियन b का मेंबर नहीं है तो y किसका मेंबर होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन b का। बिकॉज कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन b में वो एलिमेंट्स आएंगे जो a यूनियन b में ना हो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे y a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का मेंबर होगा। और हमने यहाँ पे अज्यूम किया था कि y मेंबर है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का, और यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है y मेंबर है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का। तो इसका मतलब क्या है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज़ अ सबसेट ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। और इससे पहले हमने ये प्रूव किया था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन b इज़ अ सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास जो पहला डी मॉर्गन्स लॉ था उसको हमने प्रूव कर दिया है। अब इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि यूनिवर्सल सेट जिसको हम लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 तक, एंड सेट ए अज्यूम करते हैं। अब जो सेट ए और सेट बी अज्यूम करेंगे वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे। तो सेट ए हम अज्यूम कर लेते हैं 1, 3, 5, एंड सेट बी अज्यूम कर लेते हैं 2, 4। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारे पास क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5। बिकॉज अगर दो सेट्स हैं तो उनके यूनियन में हमारे पास वो एलिमेंट्स आएंगे जो या तो पहले सेट में हो या फिर दूसरे सेट में हो या फिर दोनों में हो। तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या आ गया, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम यूनिवर्सल सेट में से सबट्रैक्ट करते हैं ए यूनियन बी को, तो यूनिवर्सल सेट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, और ये माइनस हो रहा है अगेन 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं सब्ट्रैक्शन के बाद जो यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन ए यूनियन बी के सेट में ना हो। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है यूनिवर्सल सेट में जो ए यूनियन बी में ना हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट हम ये करते हैं जो राइट हैंड साइड है उसको देख लेते हैं और देखते हैं क्या वो भी एम्प्टी सेट आता है कि नहीं आता। राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, और इसका इंटरसेक्शन है यूनिवर्सल सेट माइनस सेट बी के साथ। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं यूनिवर्सल सेट को, वो था 1, 2, 3, 4, 5, और ये माइनस हो रहा है सेट ए से विच इज 1, 3, 5, और इसका इंटरसेक्शन है यूनिवर्सल सेट माइनस सेट बी विच इज 2, 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले यू माइनस ए में हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट यू में हो लेकिन ए में ना हो, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2, 4, और बस यही ये दो एलिमेंट्स आएंगे यू माइनस ए में, और इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं यू माइनस बी के साथ। अब यहाँ पे वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो यू में हो लेकिन बी में ना हो, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 1, 3, 5, बिकॉज यही तीन एलिमेंट्स हैं जो यू में हैं लेकिन बी में नहीं हैं। अब क्या करेंगे, जो ये दोनों सेट्स हैं इनका इंटरसेक्शन लेंगे,
इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन टू सेट्स। अब यहाँ पे इन दोनों सेट्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो जब हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड विच वॉज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट उसको सॉल्व किया तो एम्प्टी सेट आ रहा था, और राइट हैंड साइड को भी जब हमने सॉल्व किया देन हमारे पास क्या आ रहा है, अगेन एम्प्टी सेट आ रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमने डी मॉर्गन्स लॉ की जो पहली स्टेटमेंट थी उसको वेरीफाई कर दिया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन में जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसका प्रूफ किया और एक एग्जांपल की। उसके बाद हमने डी मॉर्गन्स लॉ को स्टार्ट किया, और डी मॉर्गन्स लॉ में जो इसका पहला लॉ था हमने उसको प्रूफ किया और एक एग्जाम्पल की थी। नेक्स्ट लेक्चर में जो डी मॉर्गन्स लॉ का सेकेंड पार्ट है उसको देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।